जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका यूपी SSC एग्जाम क्रैकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मतलब मुझे आ नहीं रहे हैं, तो आप अगर आपको आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का नंबर ये होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको आ रहे हो तभी करिए, नहीं फर्जी मतलब कमेंट करने से क्या फ़ायदा। फिलहाल और कई क्वेश्चन लगभग जो अधिकतम आए हैं मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये 38वां क्वेश्चन नहीं आता मुझे, ये वाला क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, इसको बाद में देखेंगे। अभी तो तुरंत पेपर मिला तो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है दोस्तों? तो बच्चा बच्चा जानता है दोस्तों, मैंने कई बार वीडियो भी डाला था, काली मिट्टी। दोस्तों आप समझ गए होंगे, जो छोटे छोटे फर्जी फर्जी वीडियो आप देख के काम चला लेते थे वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता दोस्तों, वो बकवास होता है, कोई फ़ायदा नहीं। दोस्तों इसमें लिखा है मानव में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? दोस्तों ये होगा कंठ के द्वारा। दोस्तों मानव और पंछी, ठीक दोस्तों, दोनों की जो आवाज़ है दोस्तों वो आपके कंठ के द्वारा मतलब कंठ से ही उत्पादित होती है। निम्नलिखित में से किस जाति की स्पेनिज में बाह्य निषेचन होता है? दोस्तों ये आपके जो ऐसे ऐसे मतलब ऐसी किस मतलब कौन से प्राणी हैं जो बाह्य निषेचन करते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इनके बारे में बताना चाहता हूँ, मुर्गी बिल्ली और जो सांप है ये आपका जो है ये आपका दोस्तों आंतरिक निषेचन करते हैं, लेकिन मेंढक और मछली, तो ऑप्शन सी जो है मेंढक और मछली, मछली एक्स्ट्रा याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके जो है ये बाह्य निषेचन के लिए होते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं, अगला है महर्षि वाल्मीकि का आदर्श ब्रह्मवर्त में स्थित था जो उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों बहुत ही मतलब अच्छा आश्रम है ये बिठूर का आश्रम है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला दोस्तों अपनी कृति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है? दोस्तों अब इतना पता है चंद्रबाई जो हैं इन्होंने किताब लिखा है तो इन्होंने वर्णन किया होगा, अब दुर्भाग्य अलग हो तो दूसरा क्वेश्चन आंसर हो सकता है, लेकिन फिलहाल इन्होंने लिखा है तो इन्होंने ही वर्णन किया है उनकी वीरता का। राष्ट्रीय कवि मैथिलीवर्ण गुप्त का जन्म मतलब किस प्रदेश में हुआ? तो दोस्तों चिनगांव, चितगांव या छिनगांव कुछ है ऐसे, वो झांसी जिले में पड़ता है, तो झांसी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। मथुरा कला विद्यालय किस काल मतलब जो था विद्यालय था किसके काल में सर्वोच्च शिखर पे था? तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा कुषाण, ये SSC में दोस्तों पूछा जा चुका है 2 बार। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है दोस्तों? तो इसका आंसर दोस्तों होगा कानपुर, ठीक दोस्तों इसका आंसर कानपुर होगा। अगला दोस्तों देखते हैं, बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है आप देखे होंगे जो सोने का ऊपर चढ़ा है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, तो वो किसने बनवाया था दोस्तों, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर है रानी अहिल्याबाई, ऑप्शन ए, ठीक। अगला दोस्तों देखते हैं किस भारतीय दार्शनिक विचारक, तो ये बच्चा बच्चा जानता है, टिक मारा है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अगला दोस्तों है प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय, जो लड़का हिंदी जानता होगा वो जानता होगा, मुंशी प्रेमचंद का दूसरा नाम धनपत राय था। अगला दोस्तों देखते हैं हरिवंश राय बच्चन मधुफाला, तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें क्या कहने वाली बात है। तो अगला दोस्तों है निम्न में से संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति के रूप में बनाया गया? तो इन्होंने दिया है गेटवे ऑफ इंडिया, तो नहीं है ये दोस्तों, ऑप्शन बी सही, इन्होंने सही मारा है, मुझे लगता है इंडिया गेट ही होगा। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? तो दोस्तों ये 2-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये ना मार दीजिएगा पेले और ये बिकम हेडन, ये अपने जो ध्यानचंद हैं उन्हीं हैं आंसर, इसका आंसर ए, ठीक दोस्तों। मेजर ध्यानचंद के जो आत्मकथा थी उसका शीर्षक है वो गोल है। अगला दोस्तों देखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की आविष्कार किसने किया था? तो टिम्स बर्नर्स ली। अगला दोस्तों देखते हैं 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकास्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो दोस्तों आप जानते हैं जब म्यांमार के वो क्या नाम है, म्यांमार में जब हिंसा बढ़ी थी और वहाँ के रोहिंग्या मुसलमानों को मारा जा रहा था,
तो आन सांग सू की जो उन्होंने मानवाधिकार पुरस्कार दिया गया था, उसने उस संग्रहालय ने जिसने दिया था उसने इनसे वापस ले लिया। पता नहीं कहाँ वापस ले लिया, इसीलिए ले लिया होगा, रोहिंग्या मुसलमानों को जो मारा गया था, नरसंहार हुआ था। अगला दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश की किस भारोत्तोलन ने राष्ट्रीय खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? तो जीतू राय तो हो नहीं सकते, पूनम यादव आपको याद होगा, वही मार दीजिए आंसर। अगला दोस्तों में देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 7 अप्रैल। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों के पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के साथ समझौता ज्ञापन, मतलब इसका जो MOU जो साइन किया था, किस बैंक ने किया था? तो इसका जो आंसर दोस्तों होगा, ये अच्छा क्वेश्चन बहुत, ऑप्शन ए HDFC बैंक ने। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकाल दिया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर कंफर्म नहीं याद है किसी को, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन किसी लड़के को आता हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन प्रूफ सहित कीजिएगा, नहीं फर्जी फेक। ठीक, अगला दोस्तों देखते हैं, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक बैफड़ो जन तो की रचयिता कौन है दोस्तों? तो ये दोस्तों प्रसिद्ध कवि थे, नरसिंह मेहता जी, इन्होंने ये लिखा था, तो इनका कॉपी करके महात्मा जी ने अपना राग बनाया। अगला दोस्तों देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो दोस्तों आप जाके गूगल बाबा सर्च मार लीजिए, मुझे मिल नहीं रहा था, सॉरी। किसके मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी गई? तो थोड़ा दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, उदय जो अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, ठीक दोस्तों, उसके समय में की गई थी, तो हो सकता है इसका आंसर लोग अजात शत्रु मान रहे हों, तो इसका अजात शत्रु ही मान लीजिए, ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, योम छोम बहायम किसका आदर्श वाक्य है? तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा का जो वाक्य है ये है, जीवन के बाद, जीवन के पहले, जीवन के बाद भी। भारतीय स्टेट बैंक का जो है वो पता नहीं क्या है दोस्तों, मुझे याद है कुछ अजीब टाइप का है, तो मुझे लग रहा है दोस्तों ये प्रधानमंत्री कार्यालय वाला होना चाहिए इसका आंसर। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जलमंडरू है जो अलग करता है भारत और श्रीलंका को? पाक जलमंडरू। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सी भारतीय तटीय शहर दहेज के रूप में दिया था? तो जो लड़का फुरवाद में जो पढ़ता होगा जानता होगा, बम्बई है। इनकी बिटिया की शादी हो रही थी उनके, मतलब इंग्लैंड के कोई चार्ल्स द्वितीय हैं उनसे, तो उन्होंने प्रभावित, मतलब खुश होके, तब उस जमाने में दहेज चलता था, देखिए अभी का दहेज नहीं है। अगला दोस्तों देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो दोस्तों मेरे अनएकेडमी का जो चैनल है उसमें मैंने वीडियो डाला था, भारत के जो है मेटल, मतलब कौन कौन सा प्लेस है किस स्टेट का, उसमें अगर आपने देखा होगा तो उड़ीसा इसका आंसर है दोस्तों, ए आंसर है। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो दोस्तों एंथ्रेसाइट होता है, ठीक, इसका 85% कार्बन पाया जाता है इसमें, ठीक, जो अच्छी तरह से तब जलने में मदद करता है। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों इसको, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो इसका आंसर दोस्तों वो होगा बी, कंफर्म नहीं है लेकिन बी मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं आज जब मिला नहीं तो नेट पर सर्च किया, तो मिल भी नेट पे भी नहीं मिल रहा था, तो इतना मिल गया कि हाँ वहाँ एक वाद्य यंत्र चिमटा है, और कोई मतलब वाद्य यंत्र मैच नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा इसका आंसर यही होगा। अगला दोस्तों देखते हैं, निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये एक भारतीय थे, बालकृष्ण दोषी जी दोस्तों, ऑप्शन सी आंसर सही है। अगला दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश 2018 जो है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की? तो दोस्तों योजना की बहुत शुरुआत की थी, लेकिन कोई धरातल पर उतरता नहीं है,
लेकिन फिलहाल इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी सही होगा, गंगा हरितमा। तो इन्होंने उद्घाटन शुरू किया, तो इस उद्घाटन में इन्होंने क्या किया है कि गंगा नदी के जो मतलब जो हैं उसके किनारे किनारे वृक्ष लगाए जाएंगे जिससे मृदा अपरदन रुक सके। ठीक दोस्तों, अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का जो है भ्रष्टाचार का पद जो है कब सृजित हुआ? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1975। एक बार मैंने वीडियो बनाया था पॉलिटी का, उसमें ये क्वेश्चन आया ही हुआ था, आप देख सकते हैं। फरुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किसी को पता भी नहीं है, अगर किसी को पता हो तो मुझे भेजिएगा जरूर। दोस्तों निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड के क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो दोस्तों सहरा, सहरा एक नृत्य है और बुंदेलखंड के जो लोग हैं जब फसल काट लेते हैं तो जब फसल काटने के जो जश्न होता है वो नृत्य करते हैं, वो सहरा है दोस्तों। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण, बहुत पुराना क्वेश्चन है, औरंगजेब। ठीक दोस्तों, अगला है, जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उनके लिए रेड डाटा बुक। ठीक दोस्तों, अगला है, निम्न में से कोशिका की कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, ये तीनों पाए जाते हैं दोनों में, मतलब ये तीनों समान है दोस्तों। ठीक, और ये जो नीचे वाला कट गया है इसे कहते हैं कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली जो है वो पशु में नहीं पाया जाता, वो सिर्फ पादप में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और कल के वीडियो को अच्छे जानकारी देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।